अस्सलाम वालेकुम विदर, आज सिंपल सी कटिंग है। आप जानते हैं जैसा कि मैं आपके लिए सिंपल सिंपल सी, जो मेरी बिल्कुल बिगनर्स हैं, मेरी सिस्टर और ख़ुद सीना भी चाहती हैं, मैं हमेशा से उनके लिए ये सादी सादी सी कटिंग लेकर आती हूँ। माशाल्लाह आप जानते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे माहिर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी उनकी कटिंग होती है। तो आप ये सीधा सीधा सा मेरा हिसाब है, आप ये देखें कि हमें शोल्डर्स कितने लेने होते हैं, आपने अपना नाप देखना है। आमतौर पे अमूमन वैसे 7.5 हो जाते हैं, और ये चूंकि लीलन है मुझे इसको सिर्फ तकरीबन 7 ही रखना है। शोल्डर का निशान हमने 7 लगाया है और हॉर्न भी इसका हम 7 ही लेंगे। एक लाइन हमारी, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक लाइन हमारी ये शोल्डर लाइन होती है, एक हमारी ये चेस्ट लाइन होती है। ये हमने अपना नाप देखना होता है। ये मुझे तकरीबन 18 इंच रेडी चाहिए, तो मुझे इसको तकरीबन, मैं इसको 10 इंच यहाँ से यानी 20 रख लूँगी, तो कुछ सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। ये यहाँ से हमने ये हमारा थर्ड लाइन हमारी कमर से होती है, ये 6 इंच नीचे हमने कमर की मार्किंग करनी होती है। ये हमारी थर्ड लाइन है, यहाँ भी मैं 10 इंच पे मार्क करूंगी, और फिर यहाँ से मैं सॉरी 9 इंच पे मार्किंग करनी है, और यहाँ से ये मार्क हमने इसके साथ हमने मिला देना है। तो ये हमारा कमर का निशान हो जाएगा। और क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा फ्लेयर ज़्यादा है जितना के लीलन का स्टफ के इसका अर्ज होता है, मैंने वो तकरीबन पूरा रख लिया था। ये है 26, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसे इतनी सी पट्टी उतारना, मैंने क्या फ़ायदा कुछ नहीं, मैं इसको इसकी ये शेप बनाऊंगी। थोड़े से हम इसके चाक रखेंगे छोटे छोटे, और लूज सी शर्ट बनानी है। इस तरीके से हम ये 6 या 7 इंच के हम इसके चाक रख लेंगे, तकरीबन हम 7 इंच के रखेंगे इसके चाक। और यहाँ से फिर हम मार्क करेंगे, ये जो कमर का मार्क बना हुआ है यहाँ से लेके हम ये 7 इंच पे हमने इसको इस तरीके से निशान लगा देना है। या आपने इंची टेप की मदद से ही आपने यहाँ से पकड़ के इसको यूं करेंगे, बिल्कुल आपका परफेक्ट सीधा निशान होता है, और यहाँ से आपने कटिंग कर लेने। और ये हमारा जो शोल्डर का है, यहाँ से हमने हाफ से लेके ये इस मार्क तक हमारा जो निशान है, यहाँ तक हमने ये बैक का हमारा शोल्डर इस तरीके से होगा। ये जहाँ हमने मार्क किया, आप उससे 1 इंच ऊपर से कटिंग शुरू कीजिएगा। ये इस तरीके से, और जहाँ से ये डबल था उसको हम ये आप ओपन कर लें। यहाँ से फोल्ड करके हमें यहाँ से शोल्डर की कटिंग फ्रंट की, हमें आप जानते हैं कि इसको हमें ज़रा डीप करना होता है, तो अब हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं।
जब मैं आपको पहले मार्क लगा के दिखा दूं, मार्किंग कर लेते हैं यहाँ से।